जय हिंद बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है ANM वाले स्टूडेंट के लिए, और जो भी ANM वाले स्टूडेंट है, जिन्होंने फॉर्म डाला, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जिनकी जो है मेरिट लिस्ट, जिनके रैंक अच्छी आई है, अब मैं बता दूं कि उनकी काउंसलिंग कब होगी और जो है उनकी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी, कहां से वह आपको काउंसलिंग करना है, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब मैं बता दूं बच्चों आपको कि PNST की काउंसलिंग जो है इन्होंने डेट दे दिया है, इन्होंने काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, यह सब कुछ हमें दे दिया है। 15 तारीख को ही जो है इनका सभी शेड्यूल जारी हो चुका है, क्या क्या निर्देश है वह भी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब बच्चे यह ज़रूर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ANM के लिए भी जल्दी से कुछ कीजिएगा, तो बिल्कुल बच्चे हम आपके साथ हर समय बने हैं, हर अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ANM वाले बच्चों को बता दूँ कि आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है बच्चों, क्या होगी आपकी काउंसलिंग होगी, कब से होगी। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर पहले मैं आपको ऑफिशियल साइट पर लेके चलता हूँ कि कहाँ से जो है आपकी काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो देखिए काउंसलिंग कहाँ से होने वाली है, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ आ चुके हम MP ऑनलाइन के ऑफिशियल साइट पर, जैसे कि यहाँ से ही आपकी पूरी काउंसलिंग होने वाली है। कहाँ से, नागरिक सेवा में जाना है और वहाँ पर काउंसलिंग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट पेज पर जो आपकी PNST वाले स्टूडेंट है, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कहाँ से होगी, DME से होगी। कहाँ से होगी, DME पर। DHS से किसकी काउंसलिंग होगी, आपकी ANM वाले स्टूडेंट की, किसकी, ANM वाले स्टूडेंट की काउंसलिंग यहाँ से होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, यह एक जो है मेन्यू ऑन होगी। चलिए ये आ चुकी है आपकी मेन मेनू। तो देखिए यहाँ पर अभी कोई भी अपडेट नहीं डली है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अभी कोई भी अपडेट नहीं डली है। इसका मतलब यह है कि अभी आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होने को है। क्या होगा, आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होने को, यहाँ से ही आपकी काउंसलिंग होगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसे कि फ्रंट पेज पर, ठीक है बच्चों, यहीं से आपकी पूरी काउंसलिंग प्रारंभ होगी, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग कितने दिन में प्रारंभ हो सकती है। तो देखिए 10 से 15 दिन में आपकी भी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आपको शेड्यूल आपके साथ ही जो है BSc नर्सिंग वाले को भी काउंसलिंग कराना है, साथ ही में एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर 4 से 5 दिन का गैप था, तो आपकी भी काउंसलिंग जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। तो ये देखिए मैं आपको दूसरे पेज पर लेके चलता हूँ, ये देखिए क्या लिखा है, ANM टेस्ट काउंसलिंग 3rd राउंड। तो यह काउंसलिंग थी बच्चों आपकी 2019 वाली, कौन सी सर जी, 2019 वाली। और यहाँ पर अभी कोई भी ऐसी डेट नहीं डली है जो नए वाले हैं कि यही पर आपकी डेट डलेगी जो मैंने आपको बताया है। तो अभी देखिए यहाँ पर काउंसलिंग लिखी हुई है, ANM टेस्ट काउंसलिंग, तो यहाँ पर अभी अपडेट आने को है। यहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं जो PNST में मैंने बताया है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 दिन या तो 5 से 10 दिन जब भी काउंसलिंग से अपडेट आएगी, मैं आपको तुरंत अपडेट कराऊँगा और तुरंत ही आपके सामने एक वीडियो आएगा। बेल आइकन अगर आपको प्रेस होगा, एक प्रेस की घंटी होगी, अगर उसको आपने प्रेस करके रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा काउंसलिंग से रिलेटेड। और प्रोसेस तो मैंने बता चुका है आपको, अगर प्रॉब्लम जाती है किसी जानकारी को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट्स करें, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं और सभी कमेंट्स का जो है यहाँ पर सभी कमेंट्स को देखा जाता है। तो आशा करता हूँ बच्चों अब आपको समझ में आ चुकी होंगी और आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे, आपकी काउंसलिंग भी जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। तो चलिए बच्चों आपको मैं पुनः मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।